किसी भी राज की तरक्की विच उस राज विच कार्यरत उद्यमियों का योगदान अखों परोखे नहीं किया जा सकता। इन्ह उद्यमियों की समस्याओं का हल करने लई लघु उद्योग भारती समय समय से कई उपराले करती रहती है। अज लघु उद्योग भारती की पुनर्गठन तो बाद चौथी मंथली मीटिंग भी अरविंद धूमल जी नैशनल वाइस प्रेजिडेंट ते विवेक राठौर जी की अगवाई दे विच कीती गई, जिस दे विच उद्यमियों दीयां समस्यावां ते विचार वटांदरा किया गया, उन्हां दा पथ प्रदर्शन किया गया ताकि उन्हां नूं अपनियां समस्यावां दे विच समय समय ते जूझना ना पवे। मैं नैशनल वाइस प्रेजिडेंट श्री अरविंद धूमल जी नूं पुछना चाहां कि उन्हां दी नैशनल लैवल दे उपर इस दे विच की योगदान दे रहे हैं। जिवें कि तुसीं कहा कि किसी भी राज या देश की तरक्की विच उद्योगों का बहुत बड़ा योगदान हुंदा है, विशेषकर जो लघु उद्योग ने, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सैक्टर का बहुत सब तो वध इंप्लॉयमेंट लघु उद्योगों ने दी हुई है। देश भर में 6.25 करोड़ लघु उद्योगिक इकाइयां ने जिन्होंने MSME सैक्टर कहा जाता है, वो लगभग 12 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार मिलया हुआ है। जे देश ने तरक्की करनी है, अनइंप्लॉयमेंट दूर करनी है, तो यह सब तो वड्डा सैक्टर है। ये करके लघु उद्योग भारती पूरे देश में कार्यरत है, जम्मू कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक, तो आसाम तो लैके गोवा महाराष्ट्र तक, ईवन अंडमान निकोबार तक पूरे देश में साडा संगठन काम कर रहा है। तो जिन्हें भी साढ़े इकाइया ने 500 तो वध शहरों में साड़िया इकाइया स्थापित हो चुकिया ने। हर महीने एक मीटिंग करनी होंगी है, वो जी थोड़ी वर्किंग कमेटी है या थोड़ी कार्यकारिणी है, थोड़े मैंबरस इनवाइटिड होंगे ने, टॉपिक्स डिस्कस होंगे ने, समस्या डिस्कस होंदिया ने, तो उन्होंने समस्यावान के नाल सुझाव भी मंगे जाते हैं, केंद्रीय स्तर पर भी सुझाव भेजे जाते हैं। जड़िया समस्या लोकल स्तर पर समाधान हो सकता है वो यूनिट लोकल स्तर पर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के नाल, प्रदेश स्तर पर हो सकता प्रदेश साड़ियाँ कई बनिया हुई ने, तो राष्ट्रीय पद्धर से भी उन्होंने पूरा समाधान करने की कोशिश की जाती है। सरकार नाल विचार वटांदरा लगातार किया जाता है, पॉलिसी मैटर्स से भी डिस्कशन होंगी रहती है। आप मैंबरस में एको गल कहते हैं कि लिख के अपनी हर समस्या भेजो, नाले सुझाव भेजो, जिथे जिथे कार्यरत है हर बंदा अपनी समस्या दे सकता है। गवर्नमेंट को भी तो फीडबैक चाहिए आ, गवर्नमेंट को भी सारे डाटे नहीं होंगे, क्योंकि MSME सैक्टर बहुत विशाल सैक्टर हैगा और लोग बहुत सारे रजिस्टर भी नहीं होंगे, तो बहुत सारे डिपार्टमेंटा दिया डिस्कशन होंगी है। अज भी डिस्कशन इतने हुई मेरे नाल जलंधर इकाई के प्रधान विवेक राठौर जी ने, कोषाध्यक्ष वरुण भल्ला जी ने, तो जलंधर तो साड़ी सब तो वड्डी इकाई है पंजाब की और रेगुलर मंथली मीटिंग करते हैं। उसे अज उपराला सीगा तो इन्होंने मैं भी अभी इनवाइट किया, मैं भी इतने आया, तो अं कोशिश कर रहे हैं कि नॉलेज का पूल इकट्ठा किया जाए, जड़े जड़े उत्पाद समूह ही बनाए ने अखिल भारतीय स्तर पर, उन्होंने जो जो अपना योगदान दे सकता है, जिन्हें लोगों को कोई नॉलेज हैगी, कोई स्किल हैगी किसी सब्जेक्ट के उपर प्रोडक्ट के रिलेटिड, ताकि सरकार को जोड़ा भी अभी फीडबैक देिए अनुसार ही पॉलिसी बने, ताकि घट तो घट समस्यावान साढ़े MSME सैक्टर में आए। इदा डिस्कशन कंटिन्यूस होंगे रहनी ने, वह भी अज यही कार्यक्रम सेगा। जिस तरह कि सानू दसिया नैशनल वाइस प्रेजिडेंट श्री अरविंद जी ने कि असी बहुत ही अपने नैशनल लैवल उपराले कर रहे हैं, मैं उम्मीद है विवेक राठौर जी ने भी अपने लैवल से जिला के जो उद्यमी ने उन्होंने लिए अपन समस्यावान उन्होंने अगे रखिया। पहले तो मैं देसी चरोका का थैंक्स करदा जेडे कि साढ़े हर महीने की मंथली मीटिंग दे विच आ के अपना समय दे रहे हैं। साढ़े मैंबरों नू जिहड़ी हुण दिक्कत आ रही सी वह आ रही सी वन टाइम सैटलमेंट स्कीम के बारे, अज जिहड़ा सैमीनार रखिया या असी वर्कशॉप रखी है वो ही उस सबजैक्ट ही गलबात रखी है। और दूसरा मैं अज मैंबरों नू रिक्वेस्ट भी की है अगर तुहानू इहदी होर जानकारी चाहिए है तो अगली मेरी मंथली मीटिंग है वो मैं एक्सपर्ट जिहड़ा या एडवोकेट जिहड़े हैं उन्होंने मैं कॉल करांगा। अज दा जिहड़ा मुख्य गलबात करन दा विशा जिहड़ा सीगा यही इसी गल ते मैं मैंबरों नू गाइड किया कि पंजाब गवर्नमेंट वालों OTS स्कीम शुरू करती गई है 15 नवंबर तो, और जिहड़ी स्कीम दी क्लोजिंग डेट है अगले साल 31 मार्च 2024 दे विच क्लोजिंग डेट है। बड़ा सरल सिंपल ट्रांसपेरेंट पंजाब गवर्नमेंट ने जिहड़ा उपराला दिता OTS दे रिगार्डिंग बड़ा सिंपल है, पर कामयाबी तां ही है जे साढ़े जिहड़े उद्यमी है अगर उन्हों उहदे विच पार्टिसिपेट करके इस स्कीम नू सक्सैसफुल या कामयाब बनाउण। तो अगे जिहड़ी कार्रवाई होनी है या मैंबर सानू डिस्कस करनगे या दसनगे कि जी तुसीं सैमीनार बुला लो तो मैं वह भी मैंबर की जिहड़ी भी गलबात रखना या उन्होंने क्लीयरेंस लैनी है वो रिगार्डिंग मैं कर दाँगा, मैनेज हो जाएगा। तो मैं उम्मीद है कि साढ़े उद्यमी भी इस तो ज़्यादा फायदा उठाएंगे जिदा इंटर्न साढ़े राज तरक्की दे विच बहुत फायदा होएगा। वरुण भल्ला जी तुसीं अपने विचार की देना चाहो। मैं यही कहना चाहवागा जी कि अरविंद धूमल जी साढ़े रीढ़ की हड्डी ने, उन्हां तो बिना असी
कारगर नहीं कर सकते। अज उन्होंने जो सानू किया है सानू उत्ते अमल करना चाहिए है, सानू उस चीज़ नू फॉलो करना चाहिए है। तो विवेक राठौर जी दे नाल असी वो जरूर करांगे। OTS स्कीम बारे असी सरकार बारे जो भी गल्लां होईयां वो असी अपने सारे मैंबर्स नू दस्या है, उन्हां नू किया है उस हिसाब नाल उन्हूं फॉलो करो। बाकी जो अरविंद जी ने किया है कि असी लघु उद्योग भारती नू होर वधाना है ताकि असी होर सशक्त होइए ते असी अपने आप नू होर काबिल बनाइए। ये दो मैंटर ने जी मेरे जिन्हां नू मैं फॉलो करके इस ऑर्गेनाइजेशन नू बहुत अगे लेना जाना है। लघु उद्योग भारती जलंधर यूनिट वालों मासिक एकत्रता बहुत ही शलाघायोग उपराला है, क्योंकि इसके जरिए ही वो अपने उद्यमी मैंबरों नू अपने राष्ट्रीय प्रतिनिधियों नाल ते गवर्नमेंट दे सरकारी विभागों के अलग अलग प्रतिनिधियों नाल मिलांदे ने ताकि उद्यमियों नू अपनियां समस्यावां दा हल भी समय अनुसार मिल सके।